दोस्तों, आज हम आपको 2018 में ऐसे पांच स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों द्वारा बहुत पसंद किए गए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से पांच स्मार्टफोन हैं जिनको लोगों का बहुत प्यार मिला। सबसे पहला है Redmi 6 Pro। स्मार्टफोन भारत में बहुत ज़्यादा खरीदा गया है और इस स्मार्टफोन में आईफोन एक्स जैसी नॉच डिस्प्ले भी उपलब्ध कराई गई है और इस स्मार्टफोन में 3GB और 4GB रैम वाले वेरिएंट उपलब्ध हैं और इस स्मार्टफोन के 4GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है, जिसे लोगों द्वारा बहुत खरीदा गया है। हमारा अगला है सैमसंग का गैलेक्सी J8। सैमसंग का गैलेक्सी J8 स्मार्टफोन भी ग्राहकों द्वारा बहुत पसंद किया गया है। इस स्मार्टफोन में 6 इंच का फुल HD डिस्प्ले और यह स्मार्टफोन 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है और यह स्मार्टफोन 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और LED फ्लैश के साथ भी उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन की कीमत महज 8,999 रुपए है। हमारा अगला स्मार्टफोन है ओप्पो A5, महज 14,990 रुपए की कीमत पे उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन में 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है और यह स्मार्टफोन भी नॉच डिस्प्ले के साथ उपलब्ध कराया गया है। हमारा अगला स्मार्टफोन है Redmi Note 5 4। Redmi Note 5 Pro स्मार्टफोन भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन चुका है। यह स्मार्टफोन 14,990 रुपए की कीमत में भारतीय बाजार में उपलब्ध है और इस स्मार्टफोन में 6GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत महज 17,990 रुपए है। हमारा सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है ओप्पो Realme 2। भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा डिमांड वाला स्मार्टफोन Realme 2 Pro बन चुका है और यह स्मार्टफोन मात्र 17,990 रुपए की कीमत पे 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ उपलब्ध और साथ ही इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है और यह स्मार्टफोन सभी कंपनियों को टक्कर देकर आगे निकल चुका है। धन्यवाद।